अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेदू वड़े और उसके साथ में बनाएंगे हम दलिये की चटनी। आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनती है। मैंने 200 ग्राम माश की दाल ली हूँ और उसको 2-3 घंटे के लिए भिगा कर रखी हूँ और अभी मैं इसको पीस लूँगी। पीसते टाइम ही हमें इसमें 10 से 15 काली मिर्च डालना है और अभी हम इसमें हल्का सा थोड़ा पानी डाल के पीस लेंगे। माश की दाल पीस कर हो चुकी है, अभी मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए कड़ी पत्ता, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। 3 हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट के ले ली थी और इसमें डालूंगी थोड़ी सी कोथमीर, आधा चम्मच जीरा, एक बारीक कटा हुआ प्याज, नमक स्वाद के हिसाब से। अभी इसको मैं हाथों की मदद से मिक्स कर लूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई पैन में मैंने तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम हाथों को गीला करेंगे ताकि बैटर हमारा चिपके ना हाथ। अभी हम बैटर ले लेंगे और अंगूठे की मदद से हम बीच में होल कर देंगे। इसी तरह हम सारे मेदू वड़े बना लेंगे। तेल में सारे वड़े डालकर हो चुके हैं, अब हम इसे हल्का ब्राउन कर लेंगे। अभी ये एक साइड से ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे। अभी ये दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं, अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। सर मेदू वड़े हो चुके हैं, अब हम चटनी को पीस लेंगे। सबसे पहला चटनी के लिए मैं एक वाटी दलिया ली हूँ, वो डालूंगी और बारीक कटा हुआ नारियल, गीला नारियल है ये, और 4 हरी मिर्ची। अभी मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी 2-3 कली लहसुन की, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, आधा चम्मच जीरा, स्वाद के हिसाब से नमक। इसमें अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लूंगी। चटनी पीस कर हो चुकी है, अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। चटनी को बघारने के लिए मैंने फ्राई पैन में तेल डाली हूँ 1 चम्मच और इसमें अभी डालूंगी चने की दाल 1 चम्मच, आधा चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच राई जीरा। अभी इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता और गैस को बंद कर दूंगी। ये बघार को मैं चटनी में डाल दूंगी। माशाल्लाह, मेदू वड़े और दलिये की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना मेदू वड़े और दलिये की चटनी कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।